नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय ब्राह्मण एकता। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद तहसील इकाई 12 प्रयागराज द्वारा कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण प्राथमिक विद्यालय ग्राम सभा पाडर जसरा में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की एक कार्यकारिणी बैठक रखी गई, जिसमें कार्यक्रम का संचालन पंडित अविनाश त्रिपाठी जी द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद उत्तर प्रदेश के महासचिव पंडित कुलभूषण अभिनव उपाध्याय जी, साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित कुलभूषण अनिल अनिवार्य जी और प्रयागराज जिले के महामंत्री कुलभूषण पंडित जनार्दन पांडे जी तथा 12 तहसील के नायब तहसीलदार पंडित रविकांत द्विवेदी जी और गांव के क्षेत्र के सभी ब्राह्मण बंधु मौजूद रहे और इस कार्यक्रम की सुंदरता को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न किया गया। हम और हमारे सहयोगी जन 12 विधानसभा की ओर से पंडित गणेश कुमार शुक्ला जी, पंडित आशीष कुमार द्विवेदी, पंडित मनोज कुमार द्विवेदी, पंडित अविनाश त्रिवेदी इत्यादि लोग मौजूद रहे। लालापुर से केपीपीएन संवाददाता लोक शुक्ला की रिपोर्ट। लेकिन आज सुबह इन्होंने मुझसे फोन करके कहा, भाई साहब आप आ रहे हैं, बिल्कुल भैया जी आपके कुटुंब से आ रहे हैं तो मैं जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चों का इतना उत्साह था कि वहां पहुंचने में काम का वैसे कि जबकि 29 तारीख को जोर का कार्यक्रम प्रदेश कार्यकारिणी का कार्यक्रम जो है आपके जनपद में होने जा रहा है और जिसकी सारी जिम्मेवारी जनपद के बनते हुए हमारे भाई अपने साथ न्याय जी के प्रदेश महासचिव है तत्परता उसमें लगे हुए, ऐसा तो कार्य इन खंड कर रहे हैं जैसे कि घर में कोई शादी और विवाह का कार्यक्रम होता है, आदमी 4 दिन पहले जो काम लग जाता है, उस प्रकार की जिम्मेदारी हमारे भाई अपने साथ न्याय जी की पर है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इन बच्चों का ऐसा उत्साह देख करके हम लोगों ने कहा बहुत चलना पड़ेगा। 27 तारीख का एक विशेष है, हम लोग 28 मेरा भी आ जाएगा। अभी कड़ी में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय ने सब कुछ कर दिया, ब्राह्मण के संबंध में कोई भी बाकी नहीं रहा। इन्होंने संगठन के विषय में कहा, लेकिन हम गांव के आदमी हैं, गांव की बात भी करेंगे। सबसे बड़ा तिरस्कार समय हमारे समाज का हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम आप भले उसको माने या न माने,